अमेरिकन पैसन मुंगेली टॉस जीता इस समय कोया गोड़वाना फाइटर जाली की टीम अब टॉस जीतने के साथ क्षेत्रक्षण का चुनाव की अब पहला रेट का जिम्मा लेकर के हरिकेन पैसन मुंगेली ये देखिए डिफेंस की अपराध अब क्या इकट्ठे दो अंक के साथ स्कोर चलायमान हो गया केजीएफ जाली का महत्वपूर्ण रूप से और यहां से वो पहले अंक की तलाश इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली को है और शुभम का क्या शिकार सुनिश्चित डिफेंस शुरुआत से गरजती नजर आ रही है इस समय और महत्वपूर्ण रूप से शुभम का शिकार पहले ही रेट पर रोक करके दिखाया डिफेंस कोया गोड़वाना फाइटर जाली की टीम सुजीत सोनकर नंबर चार की जर्सी के साथ और चार का ही डिफेंस है इस समय कोर्ट के ऊपर हरिकेन पैसन मुंगेली के कोर्ट में और दूसरी ओर इस समय स्ट्रगल के ऊपर काफी अंदर गए फिंगर टच का प्रयास रहा है सुजीत का सफलता लगी नहीं बहरहाल एक मरतबा फिर से प्रयास जारी रखा डिफेंस को पीछे धकेला और धकेलने के साथ उल्टे पांव अपने घर सुनिश्चित खींचा दूसरी ओर हर्ष तमर नंबर एक की जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर है और जहां उनको पहले अंक की तलाश है और पहले अंक की तलाश क्या इस रेट के जरिए खत्म करके रखेगा और यहां से ये देखने वाली बात हो गई हर्ष के लिए हर्ष का शिकार छूट गया और हर्ष ने कहा जो पहला अंक हम लेकर ही चलेंगे इसको चला मान कर ही लेंगे और वही हर्ष ने बड़ी खूबसूरती के साथ पहला अंक सुनिश्चित किया तो 3-1 के मुकाबले खेल की शुरुआत हो चली है हालांकि थोड़ी देर से ही पहला अंक सुनिश्चित किया थोड़ी सी बैक फुट पर जरूर नजर आ रहा था और लेकिन अब कहीं जाकर के अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत जो है कर ली है महत्वपूर्ण रूप से हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम बहरहाल 3-1 के मुकाबले यहां से लगातार हर्ष को अजमा रहा इस समय और उसके लिए वो हर्ष को चलना होगा जहां उनके कोर्ट के ऊपर खिलाड़ी कम भी नजर आ रहे हैं रिवाइवल की आवश्यकता भी होगी और हर्ष ने उल्टे पांव कवर के ऊपर चलाया अभय के आसपास कवर कवर पर अभय नंबर दो के जर्सी के साथ चेस नंबर वन दो अटाए थर्ड रेड डिसाइडेड रेड रेडर को हर हाल में अंक चाहिए और यहां से बोनस ऑफ भी है तो टच का अंक ही सुनिश्चित करने होंगे मतलब टच का अंक लेने के लिए गहराई में डूबना होगा अंदर जाने की आवश्यकता होगी अंदर गए मतलब डूबने का खतरा भी है डिफेंस की अफरातफरी अंत में सुजीत को ही सफलता हाथ लगी है टच का अंक के साथ महत्वपूर्ण रूप से अब कामयाब हुआ डोबा रेड महत्वपूर्ण यहां से हर्ष को लगातार चलने की आवश्यकता होगी 4-1 के मुकाबले ऑल आउट की दहलीज की ओर भी वो खतरा मंडराने चला है मैदान खाली होती नजर आ रही है तो यहां से एक छोर से एक अच्छी रणनीति के साथ और काम करने की आवश्यकता होगी यहां से राइट कॉर्नर से राइट कॉर्नर से दूर वाले कॉर्नर जहां भी पालकी जोड़ी है कॉर्नर वहां से बड़ी तेजी के साथ अपने घर सुनिश्चित की जाए दूसरी ओर सुजीत सोनकर नंबर 4 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर जहां चार खिलाड़ी दो दो की चेनबंदी के साथ महत्वपूर्ण रूप से और वो चेनबंदी तोड़ करके क्या भेद जाएगा सोनकर ये देखने वाली बात अब सही मायने में तोड़ ले चला आर्यन के ऊपर लेग चलाया दूर में विशाल उनका भी टच का अंक सुनिश्चित कर लिया डू आर डाई थर्ड रेड हर हाल में रेडर को अंक चाहिए यहां से हर्ष तनवर और नंबर 1 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है बोनस अवेलेबल है बोनस से भी अपना अंक सुनिश्चित किया जा सकता है रिवाइवल की भी निदान आवश्यकता अन्यथा ऑल आउट पर जाएगी देखिए देखिए और हर्ष को पहला रास्ता दिखाया और ऑल आउट पर जा रही है टीम आवश्यकता होगी जहां इस समय 9 अंकों की लीड नजर आ रही है और उस लीड को किस तरह से अंकुश लगाएगा अब शुभम ये देखने वाली बात होगी शुभम निर्मलकर लेफ्ट रेडर और बड़ी तेजी के साथ बोनस का अटेम्प्ट किया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं अंत में खाली हाथ खींचा सुरक्षित ढंग से दूसरी ओर टच का अंक
सुजीत सोनकर के लिए महत्वपूर्ण रूप से यहाँ से हर्ष को चाहिए अंक और ऑल आउट का जहाँ वो फायदा मिला महत्वपूर्ण रूप से वोया गोडवाना फाइटर जाली के लिए और उसके लिए वो बखूबी एक अच्छा काम करके दिया कुछ इस तरह के तफरी से राजेश कुमार नेताम का शिकार सुनिश्चित किया टच लिया और अफरा तफरी से बचना होगा महत्वपूर्ण रूप से तब कहीं जाकर के बात बनेगी डिफेंस को वही दूसरी और विशाल को चलना शुभम को चलना होगा और हर्ष को भी चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी जिस तरह से अंकों की लीड कुछ इस तरह के लेकर के चला है और उसके लिए हालांकि है लेकिन कुछ हद तक अंकुश लगा करके रखे तो बेहतर होगा एक छोर से पैसन मुंगेली की ओर टीम दूसरी ओर हर्ष तंवर छह खिलाड़ी जहां कोर्ट के ऊपर अक्के जी अफजाली राइट की ओर रेडर है हर्ष और बोनस का एक अटेम्प्ट जरूर लिया थम अप का इशारा अंगूठे का और बोनस का अंक सुनिश्चित किया महत्वपूर्ण रूप से दूसरी ओर सुजीत सुजीत उनकी टीम इस समय एक अच्छी बढ़त के साथ है सुजीत कुमार और बढ़त का एक अंक और सहेजा मतलब 12-3 के मुकाबले टीम पहुंचा पर कोया गोडवाना फाइटर जाली हरिकेन पैसन मुंगेली 3 पर ठहरे स्कोर के साथ मुंगेली को स्कोर चलायमान करना होगा यहां से हर्ष को चलना होगा और साथ ही शुभम को चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी अंत में कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा और एक ही अंक से संतुष्ट होना पड़ेगा हर्ष को तो 3 से बढ़कर 4 12 और 4 के मुकाबले 8 अंकों की लीड है और पहले हाफ का खेल है 15 मिनट का खेल और दूसरे हाफ का 15 मिनट का खेल मतलब समय काफी लंबा है तो यहां से संयम बरतने की आवश्यकता होगी दोनों टीम को और संयम कहीं बरत जाती है तो मौके बनेंगे ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के पहले हाफ का खेल 15 मिनट के दूसरे हाफ के खेल में वापसी के दरवाजे वो मौके खुलेंगे नहीं ऐसी कोई बात है नहीं हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए लेकिन उसके लिए उस समय तय करना होगा और वो मौके तलाश होंगे मौके हासिल करने होंगे तब कहीं जाकर के बात बनेगा यहां से जिस तरह का वो 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है और कवर के ऊपर फिंगर चल रहा है सफलता भी हासिल मंजिल तो यहाँ लगातार लीड लेकर के चल रहा है विकास के ऊपर फिंगर टच किया कवर से और विकास को पॉलियन का रास्ता दिखाया महत्वपूर्ण रूप से तो 14-5 के मुकाबले यहां से हर्ष को चलना होगा और ये देखिए एक मतलब एंकल छूट गई है कॉर्नर इन से अभय टच है कुछ इस तरह का दावा भी रहा लेकिन नकारा ऑफिशियलों ने तो एक ही अंक से संतुष्ट होना पड़ा हर्ष को 14-6 के मुकाबले 8 अंकों की लीड अभी भी है और सुजीत इस समय स्ट्रगल के ऊपर नंबर 1 के जर्सी के साथ डिफेंस देव कुमार ने वो काम कर दिया महत्वपूर्ण रूप से अब यहां से वो 7 और 14 के मुकाबले 14 अंक पर केजीएफ जाली हरिकेन पैसन मुंगेली 7 अंक पर तो आधे अंक पर पीछे पा रही है केजीएफ जाली के विरुद्ध 14 अंक 14 और 7 के मुकाबले 7 अंकों की के ऊपर तो काम करके दिया और ऑफिशियलों की हिदायत नकारा उस अपील को हर्ष का उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात है नहीं जहां से वो अंक आपने टच का सुनिश्चित किया है ऐसी कोई बात है नहीं तब कहीं जाकर के ना ऑफिसलों ने दूसरी ओर हर्ष
तंवर नंबर एक के जर्सी के साथ 14-7 के मुकाबले कीजिए। 40 समय बढ़त का अंक लेकर के 5 का डिफेंस और बोनस ऑफ है इस समय हर्ष के लिए, हर्ष के लिए। और यहां से टच का अंक निश्चित यदि करने हैं तो अंदर जाने की आवश्यकता होगी। और महत्वपूर्ण रूप से अभय ने काम करके दिया, कवर से बड़ी तेजी के साथ आए और सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण। केजीएफ जाली ने वो काम करके दिया 15-7 के मुकाबले। शुभम का ही शिकार सुनिश्चित किया और अब मुसीबत में पा रहा है। हालांकि पहले हाफ का ही खेल है लेकिन पहले हाफ में लगातार शुरुआत से पिछड़ रही है इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। शुभम का ना चलना और साथ ही साथ हर्ष का ना चलना, तो यहाँ से अपने आप में डिफेंस लगातार काम करके दे रहा है एक शोर से, और उसके लिए डिफेंस भी एक महत्वपूर्ण काम करके दे रहा है केजीएफ जाली का। तो केजीएफ जाली पहुंचा इस समय 17-8 के मुकाबले, वो पिछड़ती नजर आ रही है शुरुआत से। ये मुकाबला थोड़ी सी शुरुआत से ही एक तरफा होने लगा है। एक मतलब फिर से एक टच का अंक सुनिश्चित किया आर्यन उइके के ऊपर और सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। राजेश कुमार ने ताम को टोटक लिया कॉर्नर इन के ऊपर। फाइटर जाली दूसरी ओर सुजीत कुमार निकल रहे हैं जहां उनके पास बढ़त है महत्वपूर्ण 9 अंकों का और उस बढ़त को सहेज करके भी रखा है दूधिया रोशनी को समाज। और इस समय दूधिया रोशनी में चमचमा रहा है कबड्डी का कोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल खेल मैदान बिलासपुर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, तीसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 9-18 के मुकाबले केजीएफ जाली विरुद्ध हरिकेन पैसन मुंगेली। तो मुंगेली इस समय पिछड़ती नजर आ रही है 9 अंकों से, लेकिन पहले हाफ के साथ दूसरे हाफ का खेल भी अभी आने होंगे, ऐसा नहीं है तो आएंगे जरूर लेकिन उसमें एक अच्छी रणनीति होगी बात बनेगी। ऑफिशियली टाइम आउट का बुलावा, कवर के ऊपर फिंगर टच का दावा रहा है। 18 के मुकाबले 8 अंकों की लीड अभी भी है। दूसरी ओर जाली समय स्ट्रगल के ऊपर है, प्रहार के ऊपर है, अंदर गए यहां से और शुभम के ऊपर प्रयास रहा है फिंगर टच का लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। डिफेंस को थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता होगी, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से, थोड़ा सा अफरा तफरी सी डिफेंस के ऊपर हरिकेन पैसन मुंगेली के कोर्ट के ऊपर। तो 8 अंकों की लीड इस समय वो बरकरार बना करके रखा है, 8 अंकों की लीड को सहेज करके रखा है। यहां से सहेजने के साथ शुरुआत से कहते हैं जिसका नींव मजबूत हो तो शाखाएं भी मजबूत होती है और वही काम करके दिया इस मुकाबले में पुराना फाइटर जाली। हर हाल में रेडर को अंक चाहिए। सुजीत सोनकर नंबर 4 की जर्सी के साथ टच का अंक ही सुनिश्चित होंगे, बोनस का अंक तो सुनिश्चित होगा नहीं क्योंकि बोनस ऑफ है। इसके लिए डिफेंस को संयम बरतने की आवश्यकता होगी, 30 सेकंड के दायरे में अंक के साथ रेडर को चलना है, डिफेंस को कतई एडवांस आने की आवश्यकता है नहीं, डिफेंस अपने आप को बचा करके रखते हैं और काउंटडाउन शुरू होगा यहां से। और अब कहीं जा वो काम करके दिया महत्वपूर्ण रूप से, तो टेकल पूरा किया हर्ष। अब 11 पर पहुंचा उनका टीम। तो दोनों टीम कैप्टन ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर ले। स्कॉर्पियन किक के साथ क्या टच का दूसरा,
इसी के साथ मैच औपचारिक रूप से आरंभ हो चला है। हाफ टाइम मंजित नंबर एक जर्सी के साथ राइट के रेडर है। पहले हाफ में जैसे भी गुजरा ये मुकाबला, लेकिन दूसरे हाफ में क्या एक अच्छी रणनीति के साथ खेल जाएगा। समीकरण को तोड़ के चलना होगा। गणित जो भी करके रखा है केजीएफ जाली, उसके ऊपर लांग करके चलना होगा। डिफेंस और ऑफेंस के बदौलत तब कहीं जाकर के बात बनेगी महत्वपूर्ण है। और यहां से वो दूसरे हाफ का दूसरा रेट के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली और हर्ष के रूप में हर्ष का सितार सुनिश्चित हो गया। इस समय सुपर टेकल का दो अंक सुनिश्चित कर लिया, मतलब बढ़त को लगातार सहेज रखा है। 18 से 20 पर पहुंचा इस समय केजीएफ जाली। दूसरी ओर पृथ्वी पाल स्ट्रगल के ऊपर नंबर 5 के जर्सी के साथ और उनकी टीम इस समय बढ़त पर है। महत्वपूर्ण वो 8 अंकों की लीड पर है। बीस 12 के मुकाबले शुभम, ये देखिए शुभम का क्या शिकार सुनिश्चित हो गया बट के ऊपर और लगातार 2.5 राजेश कुमार ने ताम के लिए लैग चलाया और एक अनोखा इनका भी खेल रहता है, ऐसा नहीं है। राजेश कुमार ने ताम नंबर 11 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर लैग चलाया लेकिन डिफेंस देखा इस समय 13-21 के मुकाबले तो 9 अंकों की लीड अभी भी है। हर्ष को अंकों की आवश्यकता होगी, लगातार अंक लेकर के चलना होगा हर्ष को, तब उस अंकों की भरपाई होगी। दूसरी ओर कोया गोड़वान फाइटर इतनी आसानी से अंक देने वाली टीम में से है नहीं और उसके लिए वो खास प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। 6 खिलाड़ी हैं कोर्ट के ऊपर। मंजीत के लिए बोनस अवेलेबल है और बोनस अवेलेबल है मंजीत कुमार। वो जैसे ही मौका मिलेगा वो काम करके के लिए देखिए डैश किया हर्ष ने और डैश करने के साथ साथ पवेलियन का रास्ता दिखाया। महत्वपूर्ण रूप से और यहां से 21-14 के मुकाबले 3 की तिकड़ी है और सुपर टेकल का मौका है। ऑल आउट का खतरा भी मन रहने चला है और यहां से हर्ष को चाहिए चतुराई भरी रेट के साथ अंक लेकर के चले, तब बेहतर होगा। अंत में अभार काम करके दिया और इसी बात को देखते रहे। शुरुआत से हमने देखा जब पहले हाफ से अभय का कौहर वो शुरुआत से चल रहा है, अब कौहर ने ही काम करके दिया। कौहर के वो अपने मूल टीम के भी कौहर के खिलाड़ी हैं अभय राज, ऐसा नहीं है और वो लगातार वो काम करके दिया है। ये मौका था जहां 3 की ओर तिकड़ी रही, 3 खिलाड़ी रहे और सुपर टेकल का मौका था उनके पास, लेकिन 2.5 का रेट तो था नहीं जिसमें वो जोखिम लेना कतई पसंद करते। वो इतने अंदर जाने की आवश्यकता थी नहीं और उसके लिए महत्वपूर्ण अब जा करके और राइवल भी हुआ 3 की जगह अब 4 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर। शुभम नंबर 7 के जर्सी के साथ समय 23-14 के मुकाबले समय रहते ही और उस अंकों की भरपाई करनी होगी शुभम को, मतलब हरिकेन पैसन मुंगेली को। अब है राज इस समय और ये देखिए शुभम उठ गया है। अकेले मुनासिब होगा नहीं। अंत में यहां से ये देखने वाली बात होगी वो सातों के सात खिलाड़ी समय कोर्ट के ऊपर, 7 खिलाड़ियों का मतबा हाउसफुल मैदान स्ट्रगल के ऊपर इस समय।
बजरंगी फाइटर बिलासपुर, जर्सी नंबर एक मनोज, जहां कहीं भी हो आप प्रभु मुरावी जी से संपर्क स्थापित करेंगे। ये देखिए, एक मतलब फिर से एक अंक सुनिश्चित हो गया है। दो अढ़ाई हंड्रेड हंड्रेड पृथ्वीपाल स्ट्रगल के ऊपर, और ये देखिए आर्यन ने काम करके दिया। दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी है मूल रूप से, और लिम्हा का प्रतिनिधित्व करते हैं जब अपने निजी ग्राम से मैच खेलते हैं। पृथ्वीपाल दूर से आर्यन ओके, और पृथ्वीपाल को उसे रोका। मंजीत सिंह नंबर एक जर्सी के साथ ऑल इन के साथ, ऑल इन के बाद मंजीत कुमार के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है, जहां अभी भी उनके टीम महत्वपूर्ण 3 अंकों की लीड पर है। लेकिन जिस तरह से समय है और उसके साथ उस अंकों को सहेज रख पाना मंजीत के लिए, ये देखने साथ होते ये देखते हैं घेराबंदी टूट गई है, और घेराबंदी टूटने के साथ और शुभम को चलना होगा इस मुकाबले में। लेकिन क्या चलने देगा डिफेंस? इस समय कोया गुड़वाना फाइटर जाली के और डिफेंस 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है, और एक ही जगह सपलिंग शुभम का, लेकिन एक ही जगह सपलिंग करने से वो खतरा बन जाता है रेडर के लिए, क्योंकि डिफेंस वो तक जाती है कि किस तरह से सपलिंग है, उनका पैर का मूवमेंट है, फुटवर्क का मूवमेंट है, और उसके लिए डिफेंस वो काम कर जाती है। थोड़ी सी यहाँ से अफरा तफरी से बचना होगा डिफेंस को, लगातार मुंगेलिए का अच्छा काम करके दिया। मुंगेलिए का अच्छा काम करके दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो है संयम बरतने की आवश्यकता होगी। जिस तरीके से वापसी किया है काबिले तारीफ होगी, लेकिन वहां से थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता होगी। पृथ्वीपाल का कैच छूट गया। जर्सी के साथ 26-21 मतलब 5 अंकों की लीड अभी भी है कोया गुड़वाना फाइटर जाली के पास। संयम का परिचय देना होगा डिफेंस को, अन्यथा जिस तरीके से उस समय गुजार करके रखा है, जिस तरीके से समय लेकर के चला है, ये देखने वाली बात होगी। महरहाल मंजीत कुमार ने बैक खींचा सुरक्षित ढंग से। 26-21 के मुकाबले शुभम की टीम इस समय पीछे पा रही है, और शुभम को चाहिए उस अंकों को समय रहते भरपाई करे, लेकिन भरपाई करने देगा तब ना, और इस तरीके के तो जो है टेनर से बचना होगा डिफेंस को। बजरंगी फाइटर अनुज जर्सी नंबर एक, जहां कहीं भी हो प्रभु मुरावी जी से संपर्क स्थापित करें। इस मुकाबले के बाद आपका मुकाबला है, और आप इर्द गिर्द ही रहे तो बेहतर होगा। तमाम खिलाड़ियों से हम यही गुजारिश करना चाहेंगे, अगर कहीं से अनाउंसमेंट हो अच्छी बात नहीं है तो 26-22 के मुकाबले टाइम आउट बुला लिया है। अच्छा मुकाबला है, और जहां किस तरीके से समय अभी भी आएगा, और आने के साथ साथ जहां 4 अंकों को लीड नजर आ रही है, उस लीड को कितने देर तक कल लेकर के चलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हर्ष तंवर नंबर एक के जर्सी के साथ काफी लंबे समय के बाद, और यहां से 5 का डिफेंस है, और अभय कोर्ट के ऊपर है, और डैश के लिए माहिर माने जाते हैं अभय राज, और जब भी मौका मिले छोड़ेंगे नहीं। नंबर 4 के ऊपर वो हिदायत हो रही है ऑफिसर के ऊपर, 100 हर हाल में रेडर को अंक चाहिए, और मंजीत है इस समय। बोनस से भी अपने आप को बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, तो टच का अंक ही सुनिश्चित होंगे, क्योंकि उनको लेकर के वो 4 खिलाड़ी भी है, बोनस के साथ भी अपने आप को अपने घर सुनिश्चित कर जाएंगे, तो बेहतर होगा। एंकल छूट गई है कॉर्नर से, एक अंक का ही सारा, तो 27-23 के मुकाबले फासला अभी भी है, 4 अंकों का फासला है। शुभम
एक दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। शुभम का शिकार सुनिश्चित कर लिया, कुंड में आए डिफेंस घेराबंदी किया और शिकार सुनिश्चित कर लिया महत्वपूर्ण रूप से। 28 और 23 के मुकाबले फासला अब कहीं जाकर के 5 अंकों का हो चला है। मंजित जहां उनके पास वो लीड है और वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं, वो डुआ डाई पर खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दो खाली रेड के साथ एक तीसरा डिसाइडेड रेड पर खेलना पसंद कर रहे हैं। ये जाली की ओर 28 और 23 के मुकाबले जोखिम लेने की आवश्यकता है, जिस तरीके से समय गुजर रहा है, 5 अंकों की जहां लीड है और उस लीड को अंकुश लगा करके चलने की आवश्यकता होगी। एक छोर से हर्ष तंवर स्ट्रगल के ऊपर। हेलो बेटी पुकार खैरा का वर्षों बजरंगी टाइगर बिलासपुर के लिए तैयारी पूर्ण कर ले दोनों ही टीम। 28-23 और इस समय मंजीत है, मंजीत धीरे धीरे ही सही और इस मैच को वो चला रहे हैं, मतलब कोया गोड़वाना फाइटर चलाने का प्रयास कर रहा है इस मुकाबले को, ये देखते ही बना है। अंत में सुरक्षित ढंग से बड़ी तेजी के साथ अपने घर फोन वो काउंट डाउन और 30 सेकंड का दायरा रेडर के लिए जो होती है, ये देखिए ये गलती मंजीत का, मंजीत के दो आड़ नंबर 5 की जर्सी के साथ हर हाल में रेडर पंख चाहिए यहाँ से, और पृथ्वीपाल बोनस से भी अपना स्कोर चलायमान कर सकते हैं, अपना अंक सुनिश्चित कर सकते हैं और रनिंग बोनस का प्रयास रहता है उनका और उसके लिए वो बखूबी प्रयास पर है। दायरा 30 सेकंड का है और काउंट डाउन शुरू हो गया, टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण, और टेकल को पूरा करने के साथ साथ 1 अंक की भरपाई कर ली है, मतलब फासला महज 3 अंकों का हो चला है, एक अच्छी यहां से अंकों की भरपाई करके चला है, लेकिन 3 अंकों की लीड और आने वाले जो 3 मिनट का खेल वो अभी भी है। 28 और 25 के मुकाबले तो 2 अंक का लीड ही रह गया है, डिफेंस को सूझबूझ का परिचय देना होगा, यहाँ से उतावलेपन से बचना होगा, कहने का मतलब यह है आपने अंकों की भरपाई जरूर कर लिया है समय रहते, लेकिन कहीं यहाँ से एक गलती उस किए करने के ऊपर पानी फेर करके ना रख दे। टाइम आउट बुला लिया है सही समय पर सिद्धार्थ जी ने, लेकर के ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्या होगा देखने को मिलेगा क्या आने समय में। 28 और 26 के मुकाबले बोनस के साथ भी अपने आप को सुनिश्चित किया जा सकता है और दूसरी ओर बोनस ऑफ है तो मुश्किल यह है कि जहां पिछड़ रही है टीम, बोनस से भी अंक लीड को बरकरार रखा जा सकता है और उसके लिए ऐसा कुछ रणनीति तो दिखाई दे नहीं रही है, और खाली खींचने के बजाय यहां से वो डर ये है क्या डुआ डाई का इंतजार हो रहा है। राजेश कुमार नेताम ये देखिए राजेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर दिया और राजेश कुमार को दो अढ़ाई थर्ड रेड हर हाल में रेडर को अंक चाहिए और शुभम निर्मल कर रहे हैं इस समय। अब आए का कॉर्नर कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेकल कर जाए और वही हुआ रखा। 30 और 27 के मुकाबले इस समय बढ़त और 3 अंकों का अभी भी है, यही प्लस पॉइंट है, यहाँ से बोनस का अंक लेकर के कहीं वो आ जाते हैं, हालांकि ऑल आउट का खतरा जरूर है और वही काम इस समय हरी कंटेशन मुंगेली के पास हुआ है और 1 अंक का इजाफा 28 और 30 टेकल के ऊपर, उस समय स्टॉप होकर के चल रहा है, इस पर ध्यान रखें और उसमें किसी प्रकार के व्यवधान व्याप्त न करें अपील करके, और सुपर टेकल का मौका है इस समय, माफ कीजिएगा हम कोर्ट के ऊपर चलते हैं। केजीएफ जाली समय ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज पर और यही है। जाते जाते ही सही
समय के बाद, लेकिन एक अंक अभी भी पीछे है और कहीं यहाँ डिफेंस गलती करती है तो मुसीबत में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में डिफेंस ने काम करके दिया। शुभम शुभम निर्मलकर और शुभम के लिए वहां लाइन रोक करके रखा है साथ का हाउसफुल मैदान, ये देखिए। और शुभम को पहले अंदर रास्ता दिखाया, यहां 31 और 32 के मुकाबले यहां से डिफेंस के ऊपर है भरोसा, हेरिकेन पैसन मुंगेली के ऊपर, जिस भरोसे के साथ केजीएफ जाली ने काम करके दिया महत्वपूर्ण रूप से। और ऐसी कोई बात है नहीं, ऑफिसियलों ने नकारा और अंतिम रेड की संभावना बनी हुई है, अंतिम रेड की संभावना बनी हुई है। वॉक लाइन रोक लिया गया है, वॉक लाइन के साथ कहीं रेडर रोक लिए जाते हैं तो टाइम है, मुकाबला रुक चलेगा, टाइम है मुकाबला फंस जाएगा। और मैच समाप्त, हासिल करने के साथ सेमीफाइनल के मुकाबले में जगह सुनिश्चित कर रही है। हम दोनों टीमों को बधाई देना चाहेंगे। एक छोर पर केजीएफ जाली, कोया गोड़वाना फाइटर जाली, दूसरे छोर पर रहे हेरिकेन पैसन मुंगेली की ओर।